हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल एंड आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। और आज की इस वीडियो का टाइटल आपके सामने है, आपके स्क्रीन के ऊपर इजीली देखा जा सकता है कि आज की इस वीडियो का जो टाइटल है उसमें आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखने को मिलेगा। आज आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि यूनिटी का मतलब क्या होता है और क्यूब रूट्स का यहाँ पे मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि जो यूनिटी है मैथमेटिक्स में, यूनिटी वन को कहा जाता है। इन मैथमेटिक्स यूनिटी जो है वो वन को कहा जाता है। ये जो नंबर वन होता है इसको हम यूनिटी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये भी बात याद रखें कि आप अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, मैं जस्ट आपको इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास नंबर वन है उसका हम स्क्वायर रूट लिखना चाहते हैं तो उसको हम इस तरह से मैनेज करते हैं, रेडिकल साइन ऑफ वन। इसके यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा जाता तो इसको हम स्क्वायर रूट ही कंसीडर करते हैं, या फिर जब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं तो वन रेज टू पावर वन बाय टू लिखा जाता है। दिस इज नोन एज स्क्वायर रूट। सो स्टूडेंट्स, इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है। और अगर हम वन की पावर में यहाँ पे इंडेक्स में थ्री मैनेज करें और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें जब, तो ये वन रेज टू पावर वन बाय थ्री बन जाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स क्यूब रूट कहा जाता है, इसको हम क्यूब रूट का नाम देते हैं। और इसी तरह जब आप यहाँ पे फोर लिखोगे तो यहाँ पे इंडेक्स में फोर लिखने की वजह से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वन रेज टू पावर वन बाय फोर लिख सकते हो और ये इसका फोर्थ रूट कहलाता है। तो आई होप आपको मैथमेटिकली इस वन को क्यूब रूट की फॉर्म में, स्क्वायर रूट की फॉर्म में और फोर्थ रूट की फॉर्म में जो मेथड है वो समझ आ गया। तो क्यूब रूट्स का मतलब ये है कि जब हम वन का क्यूब रूट लेंगे तो डेफिनेटली उसके आंसर एक से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे रूट्स का वर्ड यूज़ किया गया। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में सबसे पहले हम देखेंगे कि मैथमेटिकली जो वन का क्यूब रूट है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसके कैसे हम रूट्स को फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। इसके प्रूफ में यहाँ पे देखिएगा, सवाल पेपर में ही आता है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सो इसके सॉल्यूशन में या फिर इसके प्रूफ में आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो यूनिटी है उसका क्यूब रूट जो है ना वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पे रेडिकल साइन और रेडिकल साइन में यहाँ पे क्यूब रूट मैनेज करते हुए हमने वन लिख दिया। अब हमने जब इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है, इसके रूट्स को निकालना है, तो हमें यहाँ पर इसको सपोज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा ये किसी वेरिएबल एक्स के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को एक्स के इक्वल लेट कर लिया। और स्टूडेंट्स, आप इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वन रेस टू पावर वन डिवाइडेड बाई थ्री लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास पावर है वन बाय थ्री। जब हमने इसके ये जो पावर वन बाय थ्री है इसको ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ क्यूब अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स, आपने बोथ साइड्स पे क्यूब अप्लाई करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स मौजूद है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे पावर वन बाय थ्री थी वन की, और हमने इसका क्यूब अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स, ये क्यूब जो है ये क्यूब रूट से क्या हो जाएगा, कैंसल, और इस तरह आपको यहाँ से एक्स क्यूब जो है वो वन के इक्वल देखने को मिलेगा। तो आई होप ये जो जितने भी स्टेप्स हमने इस पेज के ऊपर किए हैं ये आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हमने एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ से वन जो है कंप्यूट किया, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने एक्स क्यूब इक्वल टू वन है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस वन को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे।
तो यहां से आपको ये एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो जो है ये इक्वेशन देखने को मिलेगी। और इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम वन का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये देखें, ये स्टेटमेंट आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। अब आप एक आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं जो कि यहाँ पे अप्लाई करने वाली है। तो स्टूडेंट, ये आपके सामने एक आइडेंटिटी है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स, ये वाली आइडेंटिटी आपने यहाँ पे इस जगह पे लगानी है। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय वन एंड प्लस वन स्क्वेयर इक्वलिटी जीरो। तो ये हमने जब आइडेंटिटी यूज की, तो जब आप एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे और वन का स्क्वेयर ओपन करेंगे तो आपको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखने को मिलेगी जो कि एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द लीनियर लीनियर एक्सप्रेशन। और दूसरे नंबर पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, बताने का मकसद ये है कि हमने इस लीनियर एक्सप्रेशन को भी जीरो के इक्वल पुट करना है और इस क्वाड्रेटिक को भी। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने अब नेक्स्ट काम ये करना है कि ये जो लीनियर वाला एक्सप्रेशन था और ये जो क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन है, इसको आपने जीरो के इक्वल रिप्लेस करना है। तो आइए चलते हैं फिर इसके बाद इस पे मौजूद अननोन वेरिएबल की वैल्यूज को हम कैसे कंप्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे आइदर वी कैन राइट आइदर एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से देख सकते हैं, ये जब हम वन को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू वन देखने को मिलेगा जो कि इसका रियल रूट है, ये इसका रियल रूट कहलाएगा। और बाकी जो दो रूट्स आएंगे वो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे जो कि हमने यहाँ से कंप्यूट करने हैं। तो अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें आप देखें तो एक्स की पावर टू का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे वो ए की वैल्यू होती है। जो एक्स की पावर वन का कोएफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है। और जो विदाउट वेरिएबल होता है क्लास, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज आप लिख चुके हैं, यहाँ पे सॉरी बी की वैल्यू भी वन है, तो मैं इसको क्लियरली मैनेज कर देता हूँ, बी इज इक्वल टू वन। तो आइए चलते हैं क्लास, इन वैल्यूज को यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, जब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है तो उसको कुछ ऐसे लिखा जाएगा, एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। ये है जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या काम करना है, जहां पे बी मिलेगा वहां पे बी की वैल्यू लिखें, जहां पे ए मिलेगा वहां पे ए, और जहां पे सी मिलेगा वहां पे सी की वैल्यू पुट करें। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, जब आप इसमें वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो नेगेटिव वन प्लस माइनस अंडर रूट वन स्क्वेयर माइनस फोर ए सी देखने को मिलेगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपको टू मल्टीप्लाई बाय वन देखने को मिलेगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से वन का स्क्वेयर वन देखने को मिलेगा और फोर मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन, और ये नेगेटिव फोर ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में टू मल्टीप्लाई बाय वन टू देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में आपको यहाँ पे एक्स जो है उसकी वैल्यूज मिल जाएगी। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स इज इक्वल टू
नेगेटिव वन प्लस माइनस अंडर रूट नेगेटिव थ्री डिवाइडेड बाय टू देखने को मिलेगा। अब ये जो नेगेटिव थ्री है ना स्टूडेंट्स, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं थ्री अयोटा, और ये आपको नेगेटिव प्लस माइनस डिवाइडेड बाय टू देखने को एज इट इज मिलेगा। अब ये देखें, ये जो अंडर रूट नेगेटिव थ्री है ना, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट नेगेटिव थ्री इज इक्वल्स टू थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। तो अब आपने यहां से अंडर रूट थ्री को अलग कर लिया और ये माइनस वन को अलग कर दिया। ये जो अंडर रूट माइनस वन है ना, ये अयोटा के इक्वल होते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। और इस तरह से हमने दो रूट्स इस यूनिटी के और फाइंड कर लिए जिनमें अयोटा भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो रूट्स कहलाते हैं ना, दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। मैं यहाँ पे मैनेज भी कर देता हूँ, ये एक प्लस में और एक माइनस में, दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। इससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने इसका रियल रूट फाइंड किया है जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये लास्ट में ये बॉक्स के अंदर x इज इक्वल टू वन लिखा हुआ है, दिस इज द रियल रूट। और इसमें आपने अभी जो फाइंड किए हैं, दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इस तरह स्टूडेंट्स, आपने तीन रूट जो हैं वो फाइंड कर लिए। एक x इज इक्वल टू वन देखने को मिला, एक x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री अयोटा डिवाइडेड बाय टू देखने को मिला, और जो एक रूट है वो x इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री अयोटा डिवाइडेड बाय टू देखने को मिला। तो इसमें आप ये देखें, ये जो दो रूट्स है ना, ये वाले, दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स, और ये वाला जो रूट है ये इसका रियल रूट है, ये इसका रियल रूट है। तो इसके तीन आंसर हैं। हम आमतौर पर इतनी लंबी स्टेटमेंट या इतनी लंबी वैल्यू नहीं लिख सकते, तो इसमें से, इन दोनों में से, ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, हम इसमें से एक को ओमेगा का नाम देंगे और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। अगर हम पॉजिटिव वाले को ओमेगा का नाम देंगे तो जो ये नेगेटिव वैल्यू वाला आएगा इसको हम ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे, और ये जो वन है ये एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखें, तीन रूट हैं, वन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ, दीज आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका है, दिस इज रिजल्ट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों तक भी शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। अब हमारे चैनल की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए और मज़ीद जो नई वीडियोज़ आएंगी उनकी अपडेट हासिल करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल के अंदर जो भी मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड की जाए वो आप तक ईजीली पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।